हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेक्नोसिनू चैनल में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम शिवम सक्सेना है, मैं यूपी बरेली से रहने वाला हूँ। मैंने हाल ही में अभी चैनल टेक्नोसिनू। हेलो फ्रेंड, कैसे रहेगा अगर आपने न्यू फोल्डर बनाया, कोई वीडियो है उस फोल्डर का नाम ना हो, उसका आइकन भी ना हो, वो दिखाई ना दे, अदर्स मिस्टर इंडिया। तो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऐसी ट्रिक अपने फोल्डर को बना सकते हैं इसी प्रकार। सबसे पहले हम एक न्यू फोल्डर कंट्रोल शिफ्ट एन एंटर कर देंगे, ध्यान इधर नाम जो इससे पहली वीडियो आप देख लीजिए कि बेनाम नाम का फोल्डर कैसे बना, तो वहाँ से आप इस वीडियो को देख के बना सकते हैं। मैं इधर आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, L255 एन एंटर, बेनाम फोल्डर बना दिया। इसका हम करते हैं आइकन हाइड। इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, कस्टमाइज में चले जाएंगे। इसके बाद ऑप्शन देखेगा, चेंज आइकन में क्लिक करेंगे, यहाँ आपको एक आइकन देखेगा मिस्टर इंडिया वाला नाम जिसका रखा है मैंने, तो वो आइकन है जे नीचे नीचे ओ नीचे जे, इसके तो आइकन शो हो रहे हैं आप कहेंगे, दिख जाएगा। जैसे कि मैंने देखा वाइट वाला, जो वाइट वाला पे क्लिक कर दे रहा हूं मैं। ओके फ्रेंड्स, ओके यानी अप्लाई, ओके। देखिए जो फोल्डर हाइड नहीं दिख रहा है आपको, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि पीछे की जो ब्लैक स्क्रीन है, ऐसे ही आप वॉलपेपर आपका चेंज होगा वैसे ही आपको जो वाइट है जो पीछे का जो वाइट में कवर हो जाएगा, इसके बाद आपको जो हाइड ही दिखने वाला है फोल्डर, कोई इसको देख नहीं पाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो काफ़ी वीडियो लेंथ हो जाएगी अगर मैं आपको ये ट्रिक बताऊँगा, तो आप खुद ही प्लीज़ ट्राई कर लीजिए।